दोस्तों हाल ही में जब जनरल मुकुंद नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हो रहे तनाव के बाद विश्वास की कमी की बात कही थी तो उनका इशारा बिल्कुल साफ था। वह चीन के साथ भारत की लगती 3488 किलोमीटर LAC पर जमीनी हकीकत बयां कर रहे थे। उनका ऐसा कहने की वजह पूर्वी हिस्से में चीन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपग्रेड में तेजी से काम कर रही है, जिससे कि अरुणाचल और सिक्किम के क्षेत्र में टेंशन का माहौल है। इस पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे आगे हमारे इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आप सबके सामने लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों लद्दाख के वेस्टर्न सेक्टर में पेंगोंग सो झील से तो बाहर तो चीन के सैनिकों का डिसएंगेजमेंट चल रहा है, लेकिन गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों से अभी चीन के सैनिकों का फिलहाल पीछे जाने का कोई भी संकेत नहीं है। इसमें मब्दोला समेत कई और इलाके शामिल हैं। डेपसांग और दौलत बेग ओल्डी में भी यही स्थिति है। हालांकि दोस्तों दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति को कम करने और पहले की स्थिति को बनाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके बीच दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स की चिंता चीनी क्षेत्र में बढ़ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए सीमा में ज्यादा हो रहा है। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में सैनिकों, हथियारों और सड़क व्यवस्था को चीन के द्वारा और अधिक मजबूत किया गया है, क्योंकि मई 2020 से लेकर अब तक चीन ने भारत को तनाव में उलझाए रखने की कोशिश की थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने नाकुला को 6 साल पहले एक फ्रिक्शन पॉइंट बना दिया था, जिसके बाद इस पूरे क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती और सतर्कता दोनों जरूरी हो गई थी। चीन बार बार इस क्षेत्र की सीमा को अनसुलझा बताने की कोशिश करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जिले में चीन जो है वो लगातार तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। यहाँ PLA 3 नए ब्रिज, 66 किलोमीटर लंबी सड़क और ट्रूप शेड बना रहा है, जिसमें कि PLA के सैनिक ठहर सकें। इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है कि चीन डिसएंगेजमेंट के साथ साथ LAC पर अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। ऐसे में दोस्तों ये स्पष्ट है कि भारतीय सेना को उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्र सहित सभी अनिश्चित सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखनी है। चीन भारत के आसपास के छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों आपके पास हमारे कोई तथ्य या सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।